हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वी लुकअप, ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल फंक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से, ठीक है। तो अगले कुछ वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन के अलग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक है दोस्तों? पीएमटी मतलब पर मंथ ट्रांजेक्शन, पीपीएमटी प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजेक्शन, और आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग लोन लेते हैं तो उसमें रेट और टाइम दिया रहता है, ठीक है, और उसमें ईएमआई आपकी रहती है। तो ईएमआई क्या हो जाएगा आपका? पर मंथ पीएमटी हो जाएगा, और उस ईएमआई में जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? पीपीएमटी। और जितना इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा वो कितना हो जाएगा आपका? आईपीएमटी। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों? पीएमटी मतलब ईएमआई, फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे? उस ईएमआई में कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि पीपीएमटी कैसे वर्क करता है। इज इक्वल टू पीएमटी टैब, रेट पूछ रहा है तो रेट वाला सेल हमारा कौन सा है? ये है 6%। ठीक है, पर एनएम इसके बगल में लिखा है मतलब एक साल का है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, कॉमा। अब क्या पूछा है? कितने टाइम एन पर, तो हम क्या दे देंगे? ये सेल ले लेंगे B18 मतलब 4 साल। ठीक है, गुणे 12 मतलब हमें एक महीने का चाहिए, तो 4 साल गुणे 12, या फिर आप 48 लिख दीजिए। ठीक है, और फिर पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 लाख रुपए। ठीक है, उससे पहले हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मनी आउटफ्लो हो रहा है हमारे तरफ से, मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस लगाने के बाद जहां 5 लाख लिखा है वो सेल हम ले लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। तो देखिए दोस्तों हमारा ईएमआई कितना आ गया? ईएमआई आ गया दोस्तों हमारा 11,000। देखिए दोस्तों हमारा ईएमआई कितना आ गया? ईएमआई आ गया हमारा 11,742.51। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई? ईएमआई हो गई। हर महीने हमें इतना रुपए 5 लाख के लोन पे 6% के रेट से 4 साल के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पीएमटी। आइए देख लेते हैं पीपीएमटी। ठीक है, आइए इज इक्वल टू पीपीएमटी टैब, इसमें पूछा रेट, रेट हमारा वही रहेगा 6%। ठीक है, 6% ले लेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कॉमा। पर पूछा है, पर मतलब पीरियड, जो आपका ये देखिए यहां पे ये बना है टेबल में। ठीक है, तो हम बगल वाली एक चीज और दोस्तों आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा, जब हमने सेल ली रेट में कौन सी B7 रेट वाली, तो हमें इसे लॉक करना पड़ेगा F4 से, वरना जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो हमारा टेबल भी और सेल भी क्या हो जाएगा? ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 12 कॉमा, पीरियड क्या है? ये है। ठीक है, पीरियड को लॉक नहीं करेंगे क्योंकि पीरियड को हमें ड्रैग करना है, फिर कॉमा, फिर टाइम ले लेंगे। ठीक है, टाइम हमारा कहाँ है? और टाइम वाली सेल भी क्या करेंगे? लॉक कर देंगे, और टाइम को इंटू 12 कर देंगे, और कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू माइनस लगा के लिख देंगे कितनी है? 5 लाख रुपए, इसको भी सेल को लॉक कर देंगे। ठीक है, और शिफ्ट से ब्रैकेट बंद करके, और हम क्या करेंगे? इंटर। ठीक है, और इसको अब हम लोग ड्रैग भी कर देंगे। देखिए दोस्तों जब ये हैशटैग आ जाएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप इसके लिए सिंपली ऊपर जाएंगे, जब कर्सर हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे और हमारा जो विड्थ है सेल की वो बढ़ जाएगी और डेटा हमारा पूरा दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आईपीएमटी इज इक्वल टू आईपीएमटी टैब रेट, रेट ले लेंगे, इसको लॉक कर देंगे,
और इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि हमें एक महीने का चाहिए, कॉमा पीरियड, तो पीरियड ले लेंगे, इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि पीरियड को हमें ड्रैग करना है, कॉमा टाइम, टाइम ले लेंगे, इसको भी लॉक कर देंगे, इसको इंटू 12 कर देंगे, ठीक है, कॉमा माइनस लगा के क्या ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इसको भी लॉक कर देंगे ताकि ड्रैग ना हो, F4 और ब्रैकेट बंद और इंटर, आंसर आ गया देखिए 2500। और इसको हम लोग क्या करेंगे ड्रैग कर देंगे और देखिए पूरा आंसर आ गया। अब आप लोग चाहें तो इसको प्लस कर लेंगे, कहीं भी जोड़ेंगे तो आंसर आपका टोटल क्या आएगा 11,742.51। देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं जैसे आप लोग को फॉर्मूला बताया गया सम का, इज इक्वल टू सम टैब, ठीक है इंटर, देखिए कितना आया 11,742.51। इसको ड्रैग कर दीजिए, आंसर पूरा आपका वही रहेगा। आपका धीरे धीरे क्या होगा देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है और इंटरेस्ट के अमाउंट घटती जाती है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।